फजर फजर मामा किधर है? मामा मामा मम्मा मम्मा बोलो, मम्मा मम्मा बोलो फजर। ताता पापा किधर है? हाँ हाँ आ दादा किधर है? पापा किधर है? किधर है फजरी के पापा? किधर है फजर के पापा? कहाँ है? स्टार्स बने हुए आप ही के कपड़ों पे स्टार्स है। फजर 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 पापा पापा, ओए ये क्या कर रही हो? नमाज पढ़ रही हो? ओए 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 बाबा किधर है? अब बाबा किधर है? बाबा बाबा किधर है? बाबा किधर है? आप ही क्या गाली, आप ही क्या गाली, नमाज पढ़ने लगी हो? पढ़ लो माज, पढ़ लो माज, पढ़ लो। क्या अच्छे नमाज पढ़ते हैं? ता 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 पापा पापा डोंट हिट योर आपी फजर। छतके 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 फजर पापा पापा। अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। तो आज मम्मा और फजर किधर आए हैं? फुफो के घर आए हैं। हम फुफो के घर आए हुए हैं इस वक्त और हम लोग बैठे हुए हैं, तो हमने सोचा कि आज वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी सारे जो है ना क्वेश्चंस वो आ रहे थे, कमेंट्स में लोग पूछ रहे थे और काफ़ी सारे जो है वो फजर के बारे में मज़ीद जानना चाह रहे थे। और जो इस तरह की मदर्स हैं जिनके फजर जैसे बच्चे हैं वो कुछ क्वेश्चंस कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर और उनको उन क्वेश्चंस के आंसर दूँ, और वो मेरे से कुछ गाइडेंस मांग रही थी और कुछ हेल्प मांग रही थी, इसलिए मैं आज की ये वीडियो उनके लिए ख़ास तौर पर बना रही हूँ। और जो लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं सिर्फ हर वक्त फजर 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 ही करती रहती हूँ, तो उनसे बहुत ज़्यादा माजरत है भाई। मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ही यही था कि मैं इस तरह के पेरेंट्स को जो कि स्पेशल किड्स को पाल रहे हैं, उनको बड़ा कर रहे हैं, उनकी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ, उनके काम आ सकूँ। तो अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना है और मैं ये मौका किसी भी सूरत में ज़ाया नहीं करना चाहती। तो इसलिए आज की ये वीडियो उन मदर्स के लिए है जिन्होंने मुझसे फजर के हेल्थ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, और स्पेशली एक मदर थी जिन्होंने मुझे बोला था कि मेरी बेटी इस वक्त 5 साल की हो गई है। एंड तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि एक बच्चे की जो पहली दरसगाह होती है ना, वो उसकी माँ की गोद होती है। तो बच्चे ने कहाँ से सीखना है? सबसे पहले स्टार्ट करना अपनी माँ से, अपने घर से, अपने माहौल से वो सीखना स्टार्ट करेगा। इन बच्चों को आप ऐसे ही ट्रीट करें जैसे कि आप अपने नॉर्मल बच्चों को ट्रीट करते हैं, ठीक है? अब फजर इज़ माशाल्लाह नाउ 1 ईयर ओल्ड, और अभी अगस्त में फजर 1 ईयर की हुई है, और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। शी इज़ ट्राइंग टू पिकअप सम वर्ड्स, वो कुछ कुछ वर्ड्स बोलना भी स्टार्ट कर दिया उसने। शी इज़ रिएक्टिंग रियली वेल, क्यों? क्योंकि आई कैप्ट ऑन इंटरेक्टिंग विद हर, मैं हर वक्त किसी ना किसी तरह से उससे बात करती रहती हूँ और उसको बुलाती रहती हूँ। शी रिकॉग्नाइजेज हर नेम, उसको पता है कि मैं जब फजर बुलाऊँगी तो इसका क्या मतलब है कि मैं उसको बुला रही हूँ। लेट्स सी एन एग्जांपल। फजर फजर लुक, शी इज़ लुकिंग एट द कैमरा, इसको पता है कि इसका नाम फजर है और उसको जब मैं बुलाऊँगी तो उसने देखना है, उसने रिएक्ट करना है। सो इन बच्चों के साथ जब आपने बात करनी है, आपने अपनी बात पे जोर देना है, एक दफ़ा नहीं बार 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 इनको बुलाएं। ख़ास तौर पे मदर्स जो घर में होती हैं, बच्चे के साथ होती हैं हर वक्त, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने बच्चे के साथ हर वक्त इंटरेक्ट करना है। मुझे तो इतनी ज़्यादा इसके साथ रह रहे के बोलने की आदत पड़ गई है, और मैं बस अगर मैंने इसको गोद में लिया है, मैं इसको फीड करवा रही हूँ या मैं कुछ भी कर रही हूँ, आई कैप्ट ऑन टॉकिंग टू हर, मैं इससे बातें करती हूँ कि मेरा प्याला बच्चा, मेरा अच्छा बच्चा, मेरा अच्छा जाना गुग्गा मेला।
जी, तो सबसे पहली तो टिप और सबसे पहला मशवरा मेरा आप लोगों को यही रहेगा कि आप अपने बच्चों के साथ, ख़ास तौर पे माएँ, आप अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, उनसे बातें करें, ठीक है। अगर आपकी ये सोच है कि इन बच्चों को समझ नहीं आती या ये समझ नहीं सकते या ये मेंटली वीक हैं, कमज़ोर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप उनको बार 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 बुलाएंगे तो वो रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। इन बच्चों का एक मसला ये होता है कि इनमें शॉर्ट टर्म जो इनकी मेमोरी होती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इनकी मेमोरी अच्छी नहीं होती। तो आपने इनके लिए क्या करना है, आपने बातों को बार बार रिपीट करना है। जैसे अब इसका नाम फजर है तो आई विल कीप ऑन सेइंग फजर फजर जर जान। ये देखें, अब मैंने उसको आवाज़ दी, एक दफ़ा दी, शी इग्नोर्ड। मैंने जब सेकंड टाइम बुलाया, शी रिस्पॉन्स। तो आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, कैप्ट ऑन सेइंग, बोलते जाएं, अपनी आदत बना लें कि आपने बच्चे के साथ बात करनी है, बच्चा आपको लाजमी रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। आप लोगों की बातों में ना जाएं कि ये बच्चे जो हैं ये दिमागी तौर पे ठीक नहीं होते। नो, ये बच्चे बिल्कुल ठीक होते हैं, ये नॉर्मल लाइफ्स गुजारते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी कोशिशों की वजह से और जो है मेडिकेशंस की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, फजर के रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे हैं। वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह रिस्पॉन्स करती है, वो बातों को सुनती है, वो चीज़ों को पिक कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है उसने कुछ कुछ लफ्ज़ को पिक करना शुरू कर दिया, और वो बोलती भी है, फजर पापा पापा बाबा बाबा। ये बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। आप लोग इनसे जितना इंटरेक्ट करेंगे ये उतना आप लोगों के करीब होते जाएंगे। इनको खेलना बहुत पसंद होता है। अच्छा, इनकी स्पीच थेरेपी एक सबसे अच्छी ये है कि आप इन बच्चों को टीवी के ऊपर जो नर्सरी रीम्स होती हैं, जो बच्चों की रीम्स होती हैं, वो आप इनको लगा के दें, और स्पेशली अपनी लोकल लैंग्वेज में लगा के दें। जैसे कि मेरी लोकल लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, या हमारे घर में अगर उर्दू बोली जाती है तो मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं टीवी पर उर्दू रीम्स फजर को लगा के दूँ। और ये बच्चे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये डाउन सिंड्रोम जितने भी हैं उनको म्यूज़िक से, ख़ास म्यूज़िक कलर्स इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो आप इनको लगा के दें टीवी के ऊपर, इनके साथ बैठें, साथ साथ आप ये नोटिस करेंगे आप कि वो अपनी बॉडी को मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। दे स्टार्ट ऑन जंपिंग, दे स्टार्ट ऑन मूविंग, अप्स एंड डाउन्स करते हैं वो, और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और इस तरह से जब आप उर्दू में उनको लगा के देंगे, वो वर्ड्स को वो बार बार सुनेंगे, एक दफ़ा उनके दिमाग में नहीं बैठेगा, दूसरी दफ़ा नहीं बैठेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो उस वर्ड को लाजमी सीख जाएंगे। इसी तरह से आपने अपने बच्चे को उसके नाम से बुलाना है, बार बार बुलाना है, और उसी के नाम से उसके साथ इंटरेक्ट करना है। आपका बच्चा सुनेगा भी और रिस्पॉन्स भी करेगा। थर्ड टिप मैं आप लोगों को ये देना चाहूँगी कि अब जैसे आप लोग इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपने कुछ बोल दिया है कि फजर ये चीज़ पकड़ो, ठीक है, आपने एक कुछ भी एक टॉय पकड़ा दिया है या कुछ भी पकड़ा दिया है, आपने बोला फजर होल्ड दिस या ये पकड़ो, दे डोंट नो वट इज़ पकड़ो, उनको नहीं पता पकड़ो क्या चीज़ है। आप क्या करेंगे, आप उनका हाथ पकड़ेंगे, उस चीज़ को उनको फील करवाएंगे, और फिर उनको ऐसे आप ऐसे पुश करके या किसी तरह से उनकी फिंगर्स को लाइटली प्रेस करके आप उनको बताएंगे कि इसको पकड़ो, पकड़ो इसको कहते हैं। फिर आप बार बार उस वर्ड को रिपीट करेंगे, बच्चे का नाम लेके आप बोलेंगे, जैसे मेरी बेटी है फजर, तो मैं इसको बार बार कहूँगी फजर इसको पकड़ो, फजर ये फजर का टॉय है। इस तरह से आपने इसके साथ इंटरेक्ट करना है, फजर 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 क्या पकड़ेगी, मम्मा का हैंड पकड़ो, पकड़ो मम्मा का हैंड, पकड़ो 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 पकड़ो, लुक शी इज ट्राइंग टू होल्ड माई फिंगर, ये देखें। तो इस तरह से आप जब इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, बार बार उस वर्ड को रिपीट करेंगे, मैंने ये बहुत ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करवाई है, इसकी फिंगर्स को पकड़ के, इसके हाथ को खुद अपनी तरफ बढ़ा के, अब अगर मैं इसको कहूँगी कि फजर अस्सलाम वालेकुम, देन शी विल रिएक्ट, वो मुझसे सलाम भी करेगी। लेट मी शो यू एन एग्जांपल, अस्सलाम वालेकुम,
वेरी गुड। सब एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को इस तरह से डेमोज दे रही हूँ साथ, ताकि जो मदर्स जो है, जो जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है कि वो अपने बच्चे को किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास या किसी और डॉक्टर को दिखा सकें, तो वो घर में ही, आप मदर्स घर में हिम्मत करके सबसे अच्छी थेरेपी आप खुद अपने बच्चे की कर सकते हैं। क्योंकि जितना एक माँ एक बाप अपने बच्चे को जानता है, उतना कोई भी नहीं जानता अपने बच्चे को। तो आप खुद बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, खुद इनके डॉक्टर बने, खुद इनको समझें, इनकी साइकी को समझें कि बच्चा चाह क्या रहा है। ठीक है, अब फजर बेशक अभी उसने कुछ कुछ लफ्ज़ को पिक करना शुरू किया, वो थोड़ा थोड़ा चीज़ों को हमें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो हमें बिल्कुल इजीली समझा लेती हैं कि वो क्या चाह रही है। अब जैसे उसको नींद आई है तो वो मुझे बुलाती है मम्मा, और ऐसे करके अपना हेड डाउन कर देती है, दैट आई वॉन्ट टू स्लीप। ठीक है, तो मुझे पता चल जाता है यस शी वॉन्ट्स टू स्लीप, और मैं उसको फिर सुला देती हूँ। बच्चे को आपने पढ़ना है, बच्चे को आपने समझना है कि आपका बच्चा रो रहा है तो वो क्यों रो रहा है, उसको क्या तकलीफ़ है। इन बच्चों को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, ये बच्चे इग्नोरेंस पसंद नहीं करते। इनके साथ प्यार से पेश आइए, मोहब्बत से पेश आइए। अगर आपसे आपके पास इनसे बड़े बच्चे हैं, आपके कुछ बच्चे इनसे बड़े हैं एज में, आप उनको अपने साथ इन्वॉल्व करें इन एक्टिविटीज़ में, और इन बच्चों की आपस में दोस्ती पैदा करें। मेरी बेटियाँ जानती हैं कि फजर को क्या मसला है, आई स्पीक ओपनली टू देम के बेटे फजर इज अ स्पेशल किड, फजर को हमारी ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। दे डोंट फील बैड इन इट अगर मैं फजर का जरा ज्यादा ख्याल रखूं, दे अंडरस्टैंड इट। अब अगर मैं किचन में जा रही हूँ, मॉर्निंग होती है, जाहिर है मुझे बहुत सारे काम होते हैं, और फजर उधर बैठी है, आई विल आस्क फातिमा, हालांकि फातिमा इज़ ओनली 3 years old, लेकिन मैं कहती हूँ फातिमा ममा किचन में जा रही है, आपने बेबी का ख्याल रखना है। ठीक है, She will act accordingly. वो ज़रूर ख्याल रखती है। इनफैक्ट अगर फजर बेड से गिरने लगे, बिकॉज शी इज़ स्टार्टिंग टू क्रॉल नाउ, वो कोशिश कर रही है कि वो क्रॉल करे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि इन बच्चों में मोस्टली ये देखा गया है कि ये बच्चे ज़्यादा जल्दी वॉक भी कर नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फजर इज़ आई थिंक 13 months old, यस 13 months old नाउ, एंड शी इज़ स्टार्टिंग क्रॉलिंग। शी इज़ ट्राइंग टू क्रॉल, अभी किया तो नहीं है स्टार्ट, लेकिन शी विल इंशाल्लाह डेफिनेटली इन 1 or 2 weeks या मंथ्स वो करना स्टार्ट कर देगी क्रॉल। तो जी, ये सारा कुछ वो क्रॉल क्यों करती है, कैसे करती है, उसके लिए मैंने उसकी क्या थेरेपी की है, मैं आप लोगों को सच्ची और एक अपने बात बताऊं, मैंने आज तक अभी तक किसी भी थेरेपिस्ट से फजर का ट्रीटमेंट नहीं करवाया। फजर जब फ्यू मंथ्स ओल्ड थी, मैं एक थेरेपिस्ट के पास लाहौर में गई थी, लाजमी गई थी, और उन्होंने मुझे कुछ एक्सरसाइजेस बताई थी कि आप इसको इस तरह से डेली करवाया करें, ये करवट पे उठना स्टार्ट करेगी, आपने इसको ऐसे प्रैक्टिस करवानी है। मैं वो उसको कुछ दिन प्रैक्टिस करवाई है, मैंने ज़्यादा इसको वो प्रैक्टिस नहीं करवाई, लेकिन दे नीड टाइम, बच्चों को टाइम चाहिए होता है, उनको टाइम दें, उनको जो चीज़ ईजी लगती है वो उस हिसाब से उनको करेंगे। आपने इन बच्चों की ज़्यादा ज़ोर से मालिश बिल्कुल नहीं करनी, बिकॉज इनके मसल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इनके जो पट्टे होते हैं वो बहुत नरम होते हैं, और जब माएँ जो हैं वो ज़ोर ज़ोर से मालिश करती है ना कि बच्चा जल्दी चलने लगे या ये जल्दी उठ के बैठ जाए, मैंने इसमें बिल्कुल भी जल्दी नहीं की। फजर ने 11 मंथ्स की होके ये उठ के खुद से उठ के बैठना शुरू हुई है, अदरवाइज ये पहले उठ के बैठती भी नहीं थी, ये सिर्फ लेटी रहती थी। कभी कभी मैं इसको देख के तंग पड़ जाती थी कि यार बच्ची थक गई होगी, उसकी कमर जो है वो उस पर बेड सोर हो जाएगा, ये लेटी रहती है हर वक्त, तो मैं उठा के उसको अपनी गोद में बिठा के हल्का हल्का पीछे से उसकी बैक को रब करती होती थी। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब वो बैठती भी है, अब वो ट्राई कर रही है कि वो क्रॉल करे। तो बच्चे को टाइम दें, उसकी साइकी को पढ़ें कि वो क्या चाह रहा है। वो जब अपने दूसरे बहन भाइयों को भागते उछलते कूदते देखती है, वो भी बेड पे जंप करती है, ये ऐसे 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 बैठ के वो हिल रही होती है, दैट आई वांट टू जंप। तो यही मैं आपको कहूँगी कि आपने अपने बच्चे की नीड को समझना है, उसको देखना है कि बच्चा क्या चाह रहा है। तो क्रॉलिंग पे और चलने वगैरह का जो सेशन है, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके, वो तो मैं इंशाल्लाह आपको कुछ दिन के बाद वो भी एक डिटेल्ड वीडियो बना के उसमें मैं आपको बताऊंगी। और अभी हम बात करते हैं इसके स्पीच पे।
ठीक है, तो आपने ऐसी रीम्स इनको लगा के देनी है जो उर्दू में होंगी, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें लगा के दें आप इनको, ठीक है। इनके साथ इंटरेक्ट करें, बात करें, इनको कुछ ऐसा लाइट बच्चों वाला म्यूज़िक लगा के दें, ठीक है। बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ये म्यूज़िक, ये वाले, और वो उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि यस वी आर अंडरस्टैंडिंग। तो आप अब यहीं से आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि अगर वो म्यूज़िक समझ रहे हैं तो क्या वो चीज़ नहीं समझेंगे जो हम उनको, पेरेंट्स उनको समझाना चाह रहे हैं? ऑफ कोर्स वो समझेंगे यार, हम लोगों को बस थोड़ी सी मेहनत की और थोड़ा सा जो है ना अपने आप को इस तरह से बनाने की ज़रूरत है कि हम बच्चे को समझें और बच्चे के साथ अकॉर्डिंगली रिएक्ट करें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वो समझती है चीज़ों को, वो रिएक्ट करती है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो मेरी मानती है। ये मेरी बैठी है फजर, फजर माशद के फजर, माशद के ये देखे, आप बच्चा प्यार मांगता है आपसे, आप उसे प्यार दें, बच्चा आपके साथ प्यार करेगा, है ना बच्चा, बच्चा। तो जी मेरी आज की मैं फिर से एक दफ़ा से वो सारी चीज़ें रिपीट कर देती हूँ जो मैंने की हैं। नंबर वन पॉइंट तो ये है कि आप बच्चे के साथ जब बात करें तो अपने वर्ड्स को बार 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 दोहराएं, कैप्ट ऑन कॉलिंग देम, कैप्ट ऑन टॉकिंग टू देम। आप बार बार अपने अल्फाज को दोहराएं, उनको बुलाएं, ये नहीं सोचें कि बच्चा नहीं समझता, वो समझते हैं। नंबर सेकंड पे ये है कि आप बच्चे को उसके नाम से बुलाएं, उसके नाम से आप पुकारें ताकि बच्चा समझना शुरू करे, बच्चे का हाथ पकड़ें, चीज़ों को महसूस करवाएं, उनका मतलब बताएं कि पकड़ना किसको कहते हैं, चलना किसको कहते हैं, जंपिंग किसको कहते हैं, क्लैपिंग किसको कहते हैं। ये आपने उनको सिखाना है, ये दूसरे बच्चे नहीं है कि जो आपको देख के रिएक्ट करने पड़ेंगे, करना शुरू हो जाएंगे। आपने इनको रिएक्ट करवाना है, आपने इनको स्टेज पर लेके आना है कि वो रिएक्ट करना स्टार्ट करें। जब आप कह रहे हैं कि फजर क्लैप करो, यू नीड टू होल्ड हर हैंड्स, आप दोनों हैंड्स को पकड़ेंगे एंड यू विल स्टार्ट क्लैपिंग, ठीक है। आप उसके खुद हैंड्स पकड़ के क्लैप स्टार्ट करेंगे। थर्डली ये है कि आपने बच्चे को जो है वो अच्छा अच्छा म्यूज़िक सुनाना है, बच्चे के साथ हर वक्त कम्युनिकेट करते रहना है। तो ये मेरी तरफ से कुछ टिप्स थी जो एज़ अ मदर मैं अपनी बच्ची की इस थेरेपी खुद घर में कर रही हूँ, स्पीच थेरेपी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, तो मैंने कहा ये मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँ, क्योंकि मेरी बेटी ने बहुत अर्ली एज में बींग अ डाउन सिंड्रोम, उसने बहुत बहुत अर्ली एज में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बोलना स्टार्ट कर दिया है। मैं जितना अपने रब का शुक्र अदा करूँ कम है, तो इसलिए मैं आप सारी मदर्स को भी यही मशवरा दूंगी जो परेशान हैं, जिनके बच्चे चल नहीं रहे, बोल नहीं रहे हैं, मैं उन सबको यही कहूँगी कि प्लीज़ परेशान ना हों, पेशेंस रखें, सब्र रखें, अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा रखें। ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं और ये गुजारेंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे कि फजर की तरह और बहुत से बच्चे अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट रहे हैं। इसके साथ ही सच्चे नोट पे हम ये सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर बच्चे को ज़िंदगी सेहत और तंदरुस्ती दे और उनके माँ बाप को इतनी हिम्मत ताकत दे कि वो अपने बच्चों को संभाल सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद, और मेरे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। अल्लाह हाफिज़।